नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आप सभी जानते हैं कि अभिमन्यु कितना पराक्रमी है। कई बार हमें किसी पात्र या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होता है और हम यह सोचकर कि इसको इतना वीर और इतना भयंकर योद्धा कोई कैसे कह सकता है, क्योंकि महाभारत में एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दानवीर कर्ण, अर्जुन, भीम, सात्यकी, दृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े वीर सेना में शामिल हैं, तो फिर अर्जुन कुमार अभिमन्यु को इतना बड़ा वीर कोई कैसे कह सकता है। हालांकि अगर हम युद्ध के पहले 12 या 13 दिन में अभिमन्यु का योगदान देखें तो हमें कोई ज्यादा योगदान दिखाई नहीं देता, परंतु जब जब उसे मौका मिलता है वह इस युद्ध में अपना पराक्रम सिद्ध करता है। यह बात अभिमन्यु एक बार पितामह भीष्म के सामने भी सिद्ध कर चुके हैं। हमारे इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। अगर हम बात करें दो ऐसी लड़ाइयों की जिनका समय काल 4 से 5 घंटे रहा था और उन्होंने कई सैकड़ों सालों तक भारत के भविष्य को निर्धारित कर दिया था। आज हम अगर बात करें, एक युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में जिसमें 4 से 5 घंटे का युद्ध हुआ था और अनेकों वीर मारे गए थे, जिसकी हार और जीत का निर्णय तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और कुछ लोग मानते हैं कि उसमें अकबर के सेनापति मान सिंह की जीत हुई थी। लेकिन इस हल्दी घाटी के युद्ध ने बताया कि महाराणा प्रताप के अंदर वीरता और राष्ट्रप्रेम कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। एक ऐसा ही युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस युद्ध की अवधि भी इतनी ही थी, 4 से 5 घंटे, और युद्ध का निर्णय हो चुका था। अब हम बात करते हैं अभिमन्यु की। अभिमन्यु ने पूरा दिन एक चक्रव्यूह में इतने महान महान योद्धाओं के साथ युद्ध किया था और उसका मात्र एक लक्ष्य था कि युधिष्ठिर को आज किसी भी तरह द्रोणाचार्य के इस चक्रव्यूह से बचाना है, क्योंकि अभिमन्यु जानता था कि द्रोणाचार्य ने यह चक्रव्यूह युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए किया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पूरा दिन एक अकेले योद्धा ने इतनी बड़ी सेना को रोक कर रखा तो क्यों न उसे वीर अभिमन्यु और ऐसा ऐतिहासिक योद्धा कहा जाए जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा उसकी वीरता के लिए, उसके राष्ट्र प्रेम के लिए, उसके बलिदान के लिए। चक्रव्यूह का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और अर्जुन कुमार अभिमन्यु अनेकों कौरव योद्धाओं को हार का स्वाद चखा चुके हैं और कईयों को युद्ध से बाहर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अभिमन्यु ने किस किस योद्धा का सामना किया और किस किस के सामने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। मृत्युकाल उपस्थित होने पर जैसे यमराज समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु भी वीरों की आयु का अपहरण करते हुए उनके लिए यमराज हो गए थे। इंद्र कुमार अर्जुन का बलवान पुत्र अभिमन्यु इंद्र के समान पराक्रमी था। वह उस समय सारे व्यू का मंथन करता हुआ दिखाई देता था। राजेंद्र क्षत्रिय शिरोमणियों के लिए यमराज के समान अभिमन्यु ने उस सेना में प्रवेश करते ही जैसे उन्मत्त व्याघ्र हिरण को दबोच लेता है, उसी प्रकार सत्यशर्वा को ले बैठा। सत्यशर्वा के मारे जाने पर उन सभी महारथियों ने प्रचुर अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ी उतावले के साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि पहले मैं इस प्रकार परस्पर होड़ लगाते हुए अर्जुन कुमार को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उस समय धावा करने वाले क्षत्रियों की उन आगे बढ़ती हुई सेनाओं को अभिमन्यु ने उसी प्रकार काल का ग्रास बनाया जैसे महासागर में तिमी नामक महामत्स्य छोटे छोटे मत्स्यों को निगल जाता है। युद्ध में भाग लेने जो शूरवीर अभिमन्यु के पास गए वे फिर नहीं लौटे, जैसे समुद्र में मिली हुई नदियां फिर कभी वापस नहीं लौटती, जिसका समुद्र मार्ग भूल गया हो, जो वायु के वेग से भयाक्रांत हो रही हो तथा जिसे किसी बहुत बड़े ग्राह ने पकड़ लिया हो। ऐसी नौका जैसे डगमगाने लगती है, उसी प्रकार वह सेना अभिमन्यु के भय से डगमगा रही थी। इसी समय मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आकर अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ निर्भय होकर बोला, शूरवीरों,
तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं अभी इसे जीते जी पकड़ लूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी रुकमरथ सुंदर सजे सजाए तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने अभिमन्यु की छाती में 3 बाण मारकर सिंहनाद किया, फिर 3 बाण दाहिनी और 3 तीखे बाण बाई भुजा में मारे। तब अर्जुन कुमार ने रुकमरथ का धनुष काटकर उसकी बाई दाई भुजाओं को तथा सुंदर नेत्र एवं बहों से सुशोभित मस्तक को भी तुरंत ही पृथ्वी पर काट गिराया। राजन, राजा शल्य के अभिमानी पुत्र रुकमरथ को, जो अभिमन्यु को जीते जी पकड़ना चाहता था, यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा मारा गया देख शल्य पुत्र के बहुत से मित्र राजकुमार, जो प्रहार करने में कुशल और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, अर्जुन कुमार को चारों ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके ध्वज स्वर्ण के बने हुए थे। वे महाबली वीर 4 हाथ के धनुष खींच रहे थे। शिक्षा और बल से संपन्न तरुण अवस्था वाले अत्यंत अमर्षशील और शूरवीर राजकुमार द्वारा किसी से परास्त न होने वाले शौर्य संपन्न सुभद्रा कुमार को अकेले ही सम्रांगण में बाण समूह से आच्छादित होते देख राजा दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यह मान लिया कि अब अभिमन्यु यमराज के लोक में पहुंच गया। उन राजकुमारों ने सोने के पंख वाले नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित और पैने बाणों द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पलक झपकते झपकते अदृश्य कर दिया। आर्य, सारथी घोड़े और ध्वज सहित अभिमन्यु के उस रथ को मैंने उसी प्रकार बाणों से व्याप्त देखा जैसे सिंह का शरीर कांटों से भरा रहता है। हे महाराज, बाणों से गहरी चोट खाकर अभिमन्यु अंकुश से पीड़ित हुए गजराज की भांति कुपित हो उठा। उसने गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया और रथमाया प्रकट की। अर्जुन ने तपस्या करके तुम्रु आदि गंधर्वों से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी से अभिमन्यु ने अपने शत्रुओं को मोहित कर दिया। राजन, वह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलात चक्र की भांति एक शत तथा सहस्रों रूपों में दृष्टिगोचर होता था। महाराज, शत्रु को संताप देने वाले अभिमन्यु ने रथचर्या तथा अस्त्रों की माया से मोहित करके राजाओं के शरीरों के 100-100 टुकड़े कर दिए। राजन, उस युद्ध स्थल में उसके पैन बाणों से प्रेरित हुए प्राणधारियों के शरीर तो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु प्राण परलोक में जा पहुंचे। अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाण द्वारा उनके धनुष, घोड़े, सारथी, ध्वज, अंगद युक्त बाहु तथा मस्तक भी काट डाले, जैसे 5 वर्षों का लगाया हुआ आम का बाग जो फल देने योग्य हो गया हो काट दिया जाए। उसी प्रकार सैकड़ों राजकुमारों को सुभद्रा कुमार ने वहां मार गिराया। क्रोध में भरे हुए विषधर सर्पों के समान भयंकर तथा सुख भोगने के योग्य उन सुकुमार राजकुमार को एकमात्र अभिमन्यु द्वारा मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों को भी अभिमन्यु रूपी समुद्र में डूबते देख अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने शीघ्र उस पर धावा किया। उन दोनों में एक क्षण तक अधूरा सा युद्ध हुआ। इतने में ही दुर्योधन सैकड़ों बाणों से आहत होकर वहां से भाग गया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार अभिमन्यु और दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का युद्ध हुआ और क्या परिणाम रहा। ऐसी ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा ऐसा ही एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।